हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से हमारे चैनल GTA 5 मोड गेमिंग के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप अपने GTA 5 के अंदर 3D मैप है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। 3D मैप का मतलब आप सेटेलाइट मैप है वो आपके गेम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो बेल का आइकन इसे ऑल पर करके प्रेस करते हैं ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से आप अपने गेम के अंदर 3D मैप है वो इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करो आप GTA 5 की वेबसाइट पे आ जाओगे, आपके सामने इस तरह से ये फाइल ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना और देखना कि आपको इंस्टॉलिंग के लिए कौन कौन सी फाइल आपको जरूरी है यहाँ पे। तो आपको रेंडर जूम आपको फाइल यहाँ पे चाहिए, आपके पास की फूक वी लेटेस्ट वर्जन आपके पास होना चाहिए, आपके पास की फूक वी डोनेट आपके पास होना चाहिए और आपके पास ओपन आई भी होना चाहिए। अगर आपके पास ओपन आई बी स्क्रीफ उप दोनों फाइलें अगर ऑलरेडी आपके पास गेम इंस्टॉल है तो आपको वापस इस इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर रेंडर जूम को इंस्टॉल करना है। उसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे लिंक मिल जाती है, इस लिंक को आप कॉपी करके टैब में आपके दूसरी टैब के अंदर से ओपन कर सकते हैं। चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने रेंडर जूम डॉट नेट आपको आ जाएगी, यहाँ पे सिंपल आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपकी डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी इसलिए मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद आपको सिंपल आपको ये मैप डाउनलोड करना होगा, ये मैप लगभग 200 MB का है, सिंपल आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे सिंपल ये भी आपका ऑटोमेटिक ऐप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसे वापस इसे कैंसिल कर दूंगा। इसके बाद हम इसे ब्राउज़ रोक कर देते हैं, मिनी वाइज हम चलते हैं हमारे डाउनलोड फोल्डर में। तो आप देख सकते हैं मैंने आप दोनों फाइलें यहाँ पे मेरे पास है, ये जीप अंदर आपको जीप फाइल मिलेगी, आपको सिंपली इन्हें अनजीप कर लेना है। तो मैंने दोनों फाइलें एनजीप यहाँ पे कर लिए। तो सबसे पहले आपको रेंडर जूम फाइल में जाना है, यहाँ पे आपको दो फाइलें मिलेगी, इन दोनों को आपको अपने मेन गेम फोल्डर में डालना है। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा आपको गेम के फोल्डर में जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया। चलिए गेम फोल्डर ओपन कर लेता हूँ और सेम साइड में ओपन करें। इसमें आपको स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जाना है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नया फोल्डर बना सकते हैं स्क्रिप्ट का। इसके बाद आप सिंपली इसको हम कर लेंगे मिनीवाइज, थोड़ा साइड में ओपन करेंगे और हमारी डाउनलोड फाइलें है वो रेंडर जूम की दोनों फाइल को उठाएंगे और स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर हम ड्रॉप कर देंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी है इसलिए मैं वापस नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे कर दूंगा कट। आपके पास नहीं है आपको सिंपली इसमें कर देना है ड्रॉप। तो ये हमारा काम हो गया रेंडर जूम का। इसके बाद इसे आप सिंपल आप क्लोज कर दें, आपके गेम की फोल्डर को इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। आपको जाना है सेटेलाइट मैप फोल्डर के अंदर, आपको यहाँ पे ओ आई वी की फाइल मिल जाएगी, आपको अब इसे इंस्टॉल करना है। इसे इंस्टॉल करने के लिए सिंपल आपको जाना पड़ेगा आपके ओपन आई वी के अंदर। चलिए मैं उसे ओपन कर लेता हूँ। सिंपल आपको डबल टैप करना है ओपन आई वी के ऊपर, उसके बाद आपका ओपन आई वी है वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक स्टार्ट होते हैं हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अपना ही ओपन होने का सिंपल सबसे पहले आपको ऊपर एडिट मोड का ऑप्शन मिलेगा, सबसे पहले तो आप इस पर क्लिक करें और इसे यस कर दें। इसके बाद आप उतारें डाउनलोड फोल्डर में और ओ वी फाइल को आप सिंपल इसमें ड्रॉप कर दें। आप ड्रॉप करोगे आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल आपको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक मूड फोल्डर एक गेम फोल्डर। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें आपको सिर्फ मूड फोल्डर के ऊपर ही क्लिक करना है। जैसे आप मूड फोल्डर पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट पे चला जाएगा, यहाँ पे आएगा आपको कंफर्म इंस्टॉलिंग। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉलेशन में यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो 1 से 2 मिनट के अंदर आपका मैप है वो आपके गेम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद सिंपल आपको इंस्टॉल होने के बाद इसे क्लोज करना है। तो चलिए मैं इसे अभी कैंसिल कर देता हूँ, मुझे इंस्टॉल नहीं करना है, इसे भी मैं कट करूँगा और ओपन आई वी को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद चलिए हम गेम ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा मैप है वो किस तरह से हमें दिख रहा है। चलिए मैं यहाँ पे बाईपास GTA 5 यूज़ करूँ और अब गेम ओपन कर लेता हूँ। Fall asleep, yeah. I need you with me by my side. तो हम गेम के अंदर आ चुके हैं। फर्स्ट टाइम आप ऐसे जब मैप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद गेम के अंदर आएंगे तो आपको मैप है वो थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लेगा फर्स्ट टाइम, उसके बाद आपको इतना टाइम नहीं लेगा। आप नीचे हमारे गेम का जो मैप है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा क्यों आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन कर रहे हो।
जैसे ही ओपन हो जाएगी तो आप देखिए यहाँ पे पूरा आपको सेटेलाइट ऑप्शन मिल जाता है। आप जिसे जूम करके देखोगे तो यहाँ पे आपको एक एक चीज़ की बिल्डिंग है वो दिखाई देगी। तो चलिए मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पूरी बिल्डिंग है मैप के अंदर, वो पूरी पूरी बिल्डिंग यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे आपको नाम भी दिखाई देंगे, जहाँ पे कोई हाईवे या कुछ बिल्डिंग है उसके नाम होते हैं वो भी आप बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे नाम लिखा होगा, और हम जहाँ पे आते हैं ये आपको देखिए यहाँ पे पूरा यहाँ पे हाईवे रोड, यहाँ पे पहाड़ है क्या है वो सारी चीज़ें आप मैप के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये पूरा 3D मैप है। इसके अंदर पूरी आपको जगह है वो काफ़ी अच्छे से आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको नाम भी लिखा मिलेगा कि ये कौन सा हाईवे है, यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो आप जूम करके बहुत अच्छे से इसे देख सकते हैं। पूरा मैप आप देखो यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे सेटेलाइट आप मैप है तो आप हर चीज़ें यहाँ पे पूरी अच्छे से दिखने वाली है। बाकी डिटेल आप इसे इंस्टॉल करके देख सकते हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो हाई अब दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने GTA 5 के अंदर 3D मैप वो इंस्टॉल कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक इस तरह से प्यार सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। देखते रहें, सीखते रहें। बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।